मध्य प्रदेश के सभी पटवारी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में परासिया पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि देने के लिए हनुमान जी को ज्ञापन सौंपा। पटवारी संघ ने हनुमान जी से मांग की है कि शिवराज सरकार को सद्बुद्धि दे। पटवारी संघ परासिया के अध्यक्ष रविंद्र भलावी ने कहा कि आज से हम हड़ताल पर हैं, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। पहले भी हम लोगों ने शासन के नाम ज्ञापन सौंपा था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद हमने हनुमान जी महाराज को ज्ञापन सौंपा है। पटवारी संघ के उपाध्यक्ष प्रियंका जैन ने कहा कि हम 2018 से आंदोलन कर रहे हैं, हमें शासन की तरफ से आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। हमें 1998 में जो वेतन दिया जाता था आज भी वही दिया जा रहा है। इस वर्ष भी हमने शासन को ज्ञापन सौंप दिया लेकिन हमारी मांगे नहीं मानी गई। यदि 28 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। चालू हुई है तो सामूहिक अवकाश के रूप में लिए हैं और आगे 3 दिवस में अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो इसके लिए आगे विगत 28 तारीख से अनिश्चितकालीन कलम्बाई हड़ताल के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश सरकार को ज्ञापन के माध्यम से कई बार अवगत कराया जा चुका है। एकमात्र मांग स्थल को ग्रेड की है, जो वर्ष 2007 से प्रतीक्षित भी है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। और हमारे बार बार ज्ञापन देने के बाद भी शासन या सरकार तक ये बात नहीं पहुंच रही है, इसलिए आज हनुमान जी महाराज को ज्ञापन सौंप के हमने सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करें, इस ज्ञापन दिया गया। तहसील परासिया में उपाध्यक्ष पटवारी संघ उपाध्यक्ष पद पर ये हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन किया है। पहले भी हमने शासन को कई बार अवगत कराया है कि वो हमारी समस्याओं को सुने, हमारी मांगों को सुने। लगभग सन 1998 में जो वेतन मान था आज 2023 में भी वही वेतन मान है। हम 2018 से शासन 2018 में भी हमने हड़ताल किया था इसके संबंध में और शासन ने हमें आश्वासन तो दिया था लेकिन 2023 आने को हो गया है, दूसरा अगला चुनाव आ गया है लेकिन शासन ने अभी तक हमारी मांगों को नहीं स्वीकार किया। इस वर्ष भी हमने काफ़ी बार शासन को ज्ञापन दिया है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखा है, बट शासन ने फिर भी उनकी ऊपर कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया है। इसीलिए हम अब ये चरणबद्ध आंदोलन करने जा रहे हैं जिसमें हमने 3 दिन का सामूहिक अवकाश रखा है। यह सब कुछ हमारे प्रांत स्तर पर हो रहा है, पूरा मध्य प्रदेश पटवारी संघ इसमें कार्यरत है कि उनकी मांगों को पूर्ण किया जाए, लेकिन इसके लिए हमने 3 दिवसीय पहले सामूहिक अवकाश रखा है, उसके बाद हम भोपाल में सारे मध्य प्रदेश के पटवारी एकत्रित होकर तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपना प्रदर्शन देंगे। उसके बाद यदि हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है तो हम अपने कार्यस्थल पर वापस आ जाएंगे, अन्यथा हम 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for Nurturing Startups, Industry Academia Collaboration for Exposure of Real Industry World, 20 Centers of Excellence for Research, Sathi Global Festival, Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, Unlocking Potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।